और उसका जो नियरेस्ट ड्राइवल है नियरेस्ट ड्राइवल का मतलब होता है जो सेकंड नंबर पे आया है उसके इतने वोट्स हैं तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन तो कितने अंतर से यानी कितनी ज्यादा वोट्स से वो जीता है ये आपको यहां पे बताना है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता होगा तो उसकी ज्यादा वोट्स आई हैं तो जो सेकंड नंबर पे आया है उससे कितने ज्यादा आए हैं वो डिफरेंस वो मार्जिन आपको यहां बताना है इसको मैं एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताता हूं आपकी क्लास में टेस्ट होता है आपकी क्लास में बच्चे हैं और फाइव मार्क्स थर्ड नंबर पे जो आया है उसके 70 मार्क्स हैं और जो फोर्थ नंबर पे आया है उसके 60 मार्क्स हैं और जो फिफ्थ नंबर पे आया है उसके 58 मार्क्स मार्क्स अब पांच बच्चों का टेस्ट हुआ है तो सबसे ज्यादा जो नंबर आए हैं ना जो फर्स्ट आया है बच्चा वो है नाइन्टी तो जो फर्स्ट आएगा ये समझ लो कि जो फर्स्ट आएगा वो ही क्लास का मॉनिटर बन जाएगा वो जीत जाएगा अब इसका जो नियरेस्ट ड्राइव वाला वो वो माना जाएगा जो सेकंड नंबर पे आया है अब सेकंड नंबर पे वो आया है जो 85 मार्क्स ला रहा है तो जो फर्स्ट आया है ये कितने मार्क्स से फर्स्ट आया है ये आपको बताना है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है ये पांच नंबर का है यानी पहला फर्स्ट आने वाला जो बच्चा है वो पांच नंबरों से जीत गया है यह है इसी तरह से जो है ना इलेक्शन के अंदर भी एक या दो लोग नहीं होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं बहुत सारे लोग होते हैं तो फर्स्ट वो होता है वो ही जीतता है जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं और जो उसका नियरेस्ट ड्राइवल है वो वो बोला जाता है जो सेकेंड नंबर पर आता है इनके जो वोट्स हैं इनका हम डिफरेंस कर लेते हैं तो ये पता चल जाता है कि जो जीता है वो कितने मार्जिन से जीता है तो यहाँ पे भी हमको डिफरेंस ही करना है जैसे यहां 90 में से 85 माइनस करके पता चला कि फर्स्ट, आने वाला बच्चा पांच से फर्स्ट आया चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखते हैं पहले तो सबसे पहले हमें यही लिखना होगा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसकी वोट्स कितनी है क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसे हम ऊपर रखेंगे उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो यहां लिखेंगे वोट्स सिक्योर्ड वोट सिक्योर्ड लिखे या स्कोर्ड लिखे स्कोर्ड सिक्योर्ड ये वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी जो कैंडिडेट जीता है उसने कितने वोट्स हासिल किए हैं वो है फाइव लैक सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब नेक्स्ट लाइन में हम वो लिखेंगे जो इसके नियरेस्ट राइवल के वोट्स हैं तो वोट्स ऑफ नियरेस्ट राइवल या यह यही लिखेंगे सेम वोट्स सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल नियरेस्ट राइवल यानी जो सेकंड नंबर पे आया है उसके वोट्स हैं थ्री लैख फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड अब इनका हमें डिफरेंस करना ये लॉजिक आप यहां एग्जाम्पल से समझ ही गए हो गए तो डिफरेंस करेंगे यानी कि इनको माइनस करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा क्या पता चलेगा मार्जिन पता चलेगा यानी कि अंतर वो मार्जिन जिससे पहला वाला जो ये है सक्सेसफुल कैंडिडेट है ये जीता है तो हम लैंग्वेज में यहां लिखेंगे मार्जिन ऑफ वोट्स इतना अंतर है वोट्स के अंदर अब इसका डिफरेंस कर लेते हैं जीरो में से जीरो गया तो जीरो आएगा जीरो में से जीरो गया तो जीरो आएगा फाइव में से सेवन नहीं जा सकता फाइव इस सेवन से बोरो करेगा एक और उसे अपने आगे लगा लेगा तो ये फिफ्टीन बन जाएगा और सेवन इसे वन देगा तो यहां पे ये सिक्स बच जाएगा और फिफ्टीन में से सेवन माइनस करेंगे तो ये एट आएगा यहां पे सिक्स में से एट माइनस करना है हो ही नहीं सकता तो ये सिक्स जो है इससे बोरो करेगा वन और अपने आगे लगा लेगा तो खुद तो ये सिक्सटीन बन जाएगा लेकिन सेवन ने इसको वन दिया है तो ये सिक्स रह जाएगा अब सिक्सटीन में से एट माइनस होगा तो ये एट आ जाएगा यहां सिक्स में से फोर माइनस होगा तो ये टू बच जाएगा और फाइव में से थ्री माइनस होगा तो ये टू आ जाएगा तो ये वो मार्जिन है जिससे सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है कितना है ये टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड यही आपका आंसर है क्वेश्चन खत्म तो इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय